वो लड़की वड़की पसंद आएगी नहीं आपके? आगे सब आगे आया सब मेरा है सर, अच्छे वाले मिल गए सब। अच्छा अच्छा, हम भी पसंद कर सकते हैं? आप भी कर। आपने दिखाना क्या लिखवाया है? टैटू करवा लिया? इंग्लिश में नाम है। इनकी शादी ब्याह किस रिवाज से होता है? इनके शादी नहीं होती तो ये मेले में जाते हैं। बिना शादी के सीधे ले आएंगे? हाँ सीधे लाएंगे, चार बार मिल गए जबरदस्ती लाते तो वो रहती नहीं है। अच्छा, तो फिर वो वापस चली जाती है, मन से आती है। हाँ, हाँ, तो वो रह जाती है। ऐसा है, आप भी ग्रासिया हो? हाँ ग्रासिया ही है। आप भी जबरदस्ती लेके आओगे उठा के लड़की? हाँ। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैं रात को आके यहाँ हॉस्पिटल में रुका था और अपने इस तरफ बसा है ग्रासियों का मार्केट, तो चलते हैं वो घूम लेते हैं। थोड़ा सा बाहर जाने का रास्ता तो उधर से, लेकिन यहाँ से एक शॉर्टकट है तो डायरेक्ट चलते हैं। आओ, मैं बचपन में क्या पार्कर बनना चाहता था, वो तो नहीं बना लेकिन लाइट वाला वर्जन बन गया, तो थोड़ा काम चला लेते हैं। हेलो हेलो दीदी, मैं 5 मिनट बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ? करो ना, कोई बात नहीं। ओके, एक मिनट, एक चेयर और ले आइए। सो आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो? मैं तो कुछ सारा 20 साल हो गए। थोड़ा जोर से बोलो इसमें। 20 साल हो गए। तो मेरे को इन ग्रासियों के बारे में थोड़ा बहुत बताइए आप। मैंने अभी एक लड़की को देखा, उसने ब्लाउज टाइप पहन रखा था, छोटी सी 10-12 साल की, तो उसकी शादी होगी? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई है यहाँ पे, तो इतनी सी बच्ची होगी तो उसको वो पहनाएंगे। अच्छा, ब्लाउज पहन के घूमेगी? ब्लाउज और ये देख लो ना, शादी नहीं हुई, ये मेले में जा रहे हैं। अच्छा, आज मेला, आज वहाँ पे थाने के आगे मेला है। इनकी शादी ब्याह किस रिवाज से होता है? इनके शादी नहीं होती तो ये मेले में जाते हैं, तो वहाँ से मतलब यूँ देखते हैं गोत्र वगैरह सब देखते हैं, हाँ ये लड़की वहाँ की है। अच्छा, मतलब इस गांव के सब लड़के भाई बहन है। अच्छा, यहाँ पे शादी नहीं होगी किसी की भी, ठीक है। आगे का गांव है वहाँ से लड़की लाएंगे, तो मतलब इनके है नहीं जो मतलब अच्छा है रिवाज, तो इनके ये मैं समझा नहीं, आगे के गांव से लड़की लाएंगे बिना शादी के? सीधे ले आएंगे? हाँ सीधे लाएंगे घर पे, सीधे घर पे ले आएंगे, घर पे ले आएंगे। और जब इनके मतलब आगे वाले देखेंगे घर अच्छा नहीं है, हाँ, तो वो आएंगे कह देंगे हमारी लड़की वापस दो। अच्छा, मिलने से अब जाएंगे सीधा ले आएंगे? तो बाद में पता पड़ेगा उनको वहाँ गई है लड़की। अच्छा, तो वापस लेके तो आज भी मेले में ऐसा कुछ होगा? अब जा सकते हैं, वैसे मेला नहीं होगा तो भी जाएंगे, जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोई ना कोई लड़की लेके आएगा, लेके जाएगा, हाँ ना वो जाएगी वो भी। अच्छा, जबरदस्ती भी ले आते हैं? जबरदस्ती लाते हैं, चार बार मिल गए जबरदस्ती लाते तो वो रहती नहीं। अच्छा, तो फिर वो वापस चली जाती है, मन से आती है। हाँ, हाँ, तो वो रह जाती है। ऐसा है, आप भी ग्रासिया हो? हाँ ग्रासिया ही है। आप भी जबरदस्ती लेके आओगे उठा के लड़की? हाँ। शर्मा गए भाई साहब। ना यू नहीं, थैंक यू दीदी, ओके बाय बाय। आप इतनी गर्मी में नंगे पैर घूम रहे हो? अरे भाई, टेम्परेचर हो रखा है 42, अगर मैं निकाल के चलूँ ना छाले हो जाएंगे एक सेकंड में। ये मेरे को मार के ना लटका दें, डर लग रहा है मेरे को। कि आप लोग मेले में जाके लड़की ले आते हो, ऐसा कुछ होता है? ऐसे लेके आते हैं। अच्छा, मतलब लड़की के घर वाले साथ में होंगे या वो अकेली होगी तो सीधे ले आते हो? अकेली को ले आते हो, उसकी मंजूरी से ऐसे उठा के? हां, मन से आते हैं, दोनों दोनों मन से। अच्छा, अगर ऐसे उठा के ले आते हो तो उसके घर वाले आके वापस ले जाते हैं? ले जाते हैं, उसका मन नहीं, उसको कुल्फी खिलाना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है, वो सब राजी हो जाता है। अच्छा, कुल्फी खिलाते हो? लड़की को कुल्फी खिलाते हैं, बढ़िया सेट करते हो पहले, सेट करते हैं, कुल्फी खिलाते हैं, फिर होटलाल होता है तो काम बनता है। ओ ऐसे, होटलाल नहीं होता तो काम नहीं बनता। बड़े हरामी हो भैया। तो अभी चलते हैं यहाँ से बाहर, देखते हैं अगर गांव का मेला लगा हो तो उधर चले जाएंगे। वैसे गांव का मेला लगने ही बोल रहे हैं कि 3 बजे के आसपास लगेगा, तो मैं काफी लेट हो जाऊँ यार, आगे भी निकलना है। अरे कहाँ घूम रहे हो, स्कूल में नहीं जाते क्या? जाते हैं तो आज क्यों नहीं गए? अरे डर गए क्या? आज फिर काफ़ी लेट हो गया निकलते निकलते, दोपहर का 1 बज रहे हैं, जिस टाइम दुनिया आराम करती है उस टाइम हम निकलते हैं।
मेरे को एक हेडेक के लिए टैबलेट मिलेगा? पर्ची कटवानी पड़ेगी, मेरे को एक ही दे देते ऐसे। पुलकित, गुड मॉर्निंग सर, या गुड आफ्टरनून हो गया। अरे बाकी तो मेरे को लगता है कोई इशू नहीं। हाथ चाहिए, ये हाथ किस लिए चाहिए होता है? नहीं, जो हमारे पास में है ना। अपने तो एक टैबलेट मांगी थी, पूरा ट्रीटमेंट चालू कर दिया लोगों ने। ORS, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पेन किलर। अभी पहुंच गए हम ग्रासिया के मेले के अंदर। ग्रासिया मेले में, ग्रासिया मेले में बेकरिया, बेकरिया पुलिस थाने के सामने। पुलिस थाने के सामने कोई लड़की वड़की पसंद आएगी नहीं आपके? आगे सब आगे आया सब, पूरा मेला है सब, अच्छे वाले मिल गए सब। अच्छा अच्छा, हम भी पसंद कर सकते हैं? आप भी कर सकते हो क्या? नहीं, आप भी दिन छान नहीं। छोटा सा मेला, कोई बड़ा मेला नहीं है, लेकिन गांव वाले खुश हो रखे हैं पूरे। आपने दिखाना क्या लिखवाया है? टैटू करवा लिया? इंग्लिश में नाम हाँ, समझ में किसके आएगा ये? आपने लिखवा लिया? आलू वगैरह लाल करवा के आयो, कोई पसंद आया कि नहीं? पसंद आएगा ना। आपको नहीं, किसी ने पसंद किया? नहीं नहीं। टैटू बनवा लीजिए किसी के नाम का, यहाँ पे दिल पे। मेले से घूम के वापस आ चुके हैं रोड के ऊपर और इंतजाम करते हैं किसी उदयपुर की लिफ्ट का। अब यहाँ रोकने में दिक्कत क्या है? एक तो चढ़ाई वाला रास्ता है, तो ट्रक वाले जो लोड लेके आते हैं वो रोक नहीं सकते, और दूसरी बात जो दोपहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो ट्रक वाले भी इस टाइम पे रेस्ट करने के लिए होटलों पे रुक जाते हैं, क्योंकि उनके टायर फट जाते हैं, डीजल ज़्यादा खपत होती है। एक ट्रक का और आ रहा है, इस पर और ट्राई कर लेते हैं, अगर इस पर भी नहीं हुआ तो पीछे जो होटल बनाए यहाँ रुक के आराम करेंगे। भाई साहब उदयपुर ना, चलते हैं यहाँ पे आराम करते हैं। अभी 2:30 बजे होंगे, 4 बजे तक आराम करते हैं, थोड़ी ठंडी हो जाएगी उसके बाद निकलते हैं। भाई जी घंटा एक सो जाऊँ मैं यहाँ पे? परमिशन जरूरी है यार, मैं शांति से सो रहा था, इस बिल्ली ने आगे मेरी नींद खराब कर दी। बट देखा तो बेचारे इसके भी हालत बुरी है। ओहो बस वन सेकेंड। चलो इस बिल्ली के लिए रुके थे शायद हम, अगर निकल जाते तो इसकी हालत बुरी हो जाती। लेवी रेस्ट करके आते लिफ्ट मिल गई, ले चलो उदयपुर सर। इस हाईवे को बने कितने साल हो गए? इस हाईवे को 6-7 साल। और 6-7 साल से पहले होता था वो वाला रोड, और ये हाईवे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि इसके ऊपर लूट मार जो होती थी वो दिन में भी लूट लेते थे, क्योंकि पहाड़ के अंदर है ना बिल्कुल, इसलिए। और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे उसमें। हाँ। क्योंकि सिंगल रोड है, इसी कारण एक्सीडेंट होते थे। इन लोगों पत्थर फेंक के रोड पे मारते थे या फिर पेड़ काट के डाल देते थे। हाँ। गाड़ी वाला आएगा, डाउन में गाड़ी कंट्रोल होती नहीं है, उस पर चढ़ेगी, नीचे गिरेगी, पलटी मारते ये लोग उसमें जो भी है सब कुछ लूट ले जाते, ड्राइवर के साथ मारपीट करते। फिर ये रोड बनानी पड़ी आगे जाके पूरे जंगल को खोद के सुरंग बना रखा ना, ऐसा सुरंग आगे को। कौन सा गाना ये? गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा। मैं तो गया मारा। अरे कौन सा नशा किया है? ओके ब्रदर, थैंक यू, सेफ जर्नी, बाय बाय।
तो बड़े भैया ने अपने को उतार दिए उदयपुर बाईपास के ऊपर और ये निकल जाएंगे यहाँ से चित्तौड़ की तरफ, और यहाँ से उदयपुर सिटी रहती है तकरीबन 6-7 किलोमीटर, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। भवेश भाई अपने को छोड़ देंगे गुरुद्वारा तक। अब वो जो बाइक जा रही है उसके पास में ले सकते हो, मेरा पार्टनर बैठा है उसके पास। ओए गुल्ली गुल्ली बंजार दे मुंडे दी छोटी लुल्ली। ओके थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। ये तो इतने नाइट स्टे अवेलेबल होगा नहीं? रेलवे स्टेशन छोड़ दोगे सर? व्हाट्स योर नेम? योगेंद्र सिंह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, क्योंकि गुरुद्वारे के ऊपर यहाँ पे भी अपना रुकने का जुगाड़ नहीं हुआ, तो आज स्टेशन पे सोएंगे, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होगा, मज़ा आएगा और साथ में चहल पहल रहेगी पूरी रात ना। आप स्टेशन पे आ रहे थे या हमें ड्रॉप करने के लिए आए हो? नहीं नहीं मैं आपको ड्रॉप करने। नाइस टू मीट यू। यार सेम हियर। खुद के दोस्त होते हैं ना सर जी, उनको बोल दो फोन करके भाई रेलवे स्टेशन छोड़ दे, ना ना पेट्रोल नहीं है। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग टू यू, फिर मिलेंगे। अपने टेंट लग चुका है पीछे की तरफ, और पहले मेरा टेंट लगाने का प्लान नहीं था यार, मगर जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मच्छर इतने काटने लगे ना, तो मेरे को टेंट लगाना पड़ा। सो आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।